हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी आज का जो मेरा वीडियो है वो मेरी शॉपिंग पे है। तो अभी मैं जा रही हूँ बिग बाज़ार शॉपिंग करने के लिए। तो मेरी ग्रॉसरी की शॉपिंग है और कुछ देखते हैं वहाँ पे जाके। वैसे बेसिकली मेन जो मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ वो मेरी ग्रॉसरी शॉपिंग है। तो फिर मैं जा रही हूँ बिग बाज़ार। हेलो फ्रेंड्स, तो कल शॉपिंग करने के बाद बहुत ज़्यादा ही टायर्ड हो गई थी मैं, बहुत ज़्यादा। और हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया था वापस आने में, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कल बिग बाज़ार में, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मतलब एक से डेढ़ घंटे तो हमें लाइन में लगना पड़ा था बिलिंग कराने के लिए, इतना ज़्यादा क्राउड था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो वीडियो भी नहीं बना पाई वहाँ पर बिल्कुल भी, क्योंकि इतनी भीड़ में, कि इतना ज़्यादा रश था। तो मुझे लगा आप जल्दी जल्दी शॉपिंग करो, फिर बिलिंग कराना ये वो, तो फिर बिल्कुल भी नहीं हो पाया। और अभी वहाँ पे आपको जो दिख रहा है ना, मैंने अपना सामान भी अभी वहीं रखा हुआ है। बस जो भी मेरे फ्रोज़न आइटम्स थे जिनको मुझे फ्रीज़र में डालना था, और या इन जिन चीज़ों को फ्रिज में डालना था, वही चीज़ें अभी फ्रिज में पड़ी हैं फ्रीज़र में, और सारी चीज़ें अभी वहीं पे हैं। तो अभी मुझे उन सारी चीज़ों को अरेंज करना है और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन सी शॉपिंग की है, क्या क्या शॉपिंग की है। वैसे तो आधे से ज़्यादा चीज़ें मेरी पड़ी हुई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी थी, फिर भी हो ही जाता है। अगर औरतें मार्केट जाएं और एक्स्ट्रा सामान ना लेके आएं तो फिर ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, और स्पेशली मेरे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। तो मुझे क्या लग रहा है कि अभी भी जैसे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मैंने शॉपिंग की है, बट मेरे लिस्ट से अभी लिस्ट में से मेरे 6 या 7 चीज़ें मिसिंग हैं, मैं नहीं ले पाई भीड़ की वजह से, या फिर कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, या क्या था पता नहीं, या फिर मैं बहुत जल्दी थक गई थी तो मैं नहीं ले पाई। तो बहुत सारी चीज़ें नहीं ले पाई। और अभी मुझे कपड़े धुलने हैं अपने, और अब मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, इतनी ज़्यादा कि रात को घर जब हम वापस आए, फिर उसके बाद डिनर बनाना था, डिनर किया। और ये देखिए अभी मशीन पे कपड़ा पड़ा हुआ है, मुझे धुलना है, मशीन में डालूंगी। और मुझे आज अपना बर्नर क्लीन करना था, तो ये मैंने अपना गैस स्टोव क्लीन किया है अभी। और यहाँ पे मैंने अपने बर्नर सोक करके रखे हैं क्लीन होने के लिए। तो आज बहुत ही ज़्यादा थकान है, बहुत ही लेजी सा लग रहा है, तो कुछ बहुत ज़्यादा आज मेरा काम नहीं हुआ है। और ये देखिए मैंने अपनी दाल को ऐसे थोड़ा सा धूप में डाला हुआ है कि ये थोड़ा सा, मतलब इसमें थोड़ी धूप लग जाए, क्योंकि इतने दिन से बारिश हो रहा था तो दालें ख़राब हो जाती हैं पड़े, तो ये मैंने थोड़ा सा इसको धूप में डाल दिया है। आज का जो मेरा सबसे ज़्यादा टेंशन वाला, नहीं आज मैं इतना ज़्यादा लेज़ी फील कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है आज कि मैं आज लंच क्या बनाऊँ। वैसे तो अभी मेरा जब ये बर्नर थोड़े से क्लीन हो जाएंगे तो मैं उसके बाद ही मैं कुछ बनाऊँगी। वैसे मैंने क्लीन को नाश्ता वास्ता करा दिया है तो उतना टेंशन नहीं है, बट ये जिस तरीके से मैं अपने बर्नर क्लीन कर रही हूँ इससे काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाते हैं बर्नर। इसकी जो ये कालिक होती है, जो जम जाती है, जो इसकी कालिक जम जाती है वो इसमें निकल रही है, वो दिख रहा है, क्लीन हो जा रहे हैं अच्छे से। तो मुझे अभी
बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, तो मैं फटाक से पहले अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। और कल मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड हो गई थी कि मैं अपना वीडियो आगे नहीं बना पाई, तो मैं पहले कपड़े डालती हूँ धुलने के लिए और अपने बर्तन सेट कर लूँ, किचन क्लीन कर लूँ, अपना घर रूम तो मैंने क्लीन कर लिया है, बस मुझे अपने बर्तन सेट करके किचन में पोंछा करना है और कपड़े धुलने को डालने हैं। और पीहू अभी नहा रही है, तो जब पीहू नहा लेगी उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आज हम लंच में क्या बनाएंगे, हम लंच में क्या खाएंगे। तो देखते हैं आज मैं लंच में क्या बनाने वाली हूँ, अभी कुछ श्योर नहीं है। हेलो, तो फाइनली सारा काम कंप्लीट हो गया है और अभी जो मैंने कल सामान लिया है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया है। उसके पहले मैं आपको, और आज पीहू ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प किया काम करने में, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी फील कर रही थी, तो पीहू ने आज बर्तन सेट किए और पीहू ने मेरी बहुत हेल्प की बिस्तर लगाने में, अपने टेबल सेट करने में, और मेरे बच्चे ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है सारे काम करने में। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या शॉपिंग की है, उसके पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये। तो ये देखिए, ये बर्नर मैंने क्लीन किया है और आप देखिए कितना क्लीन हुआ है, मैं ऐसे दिखाती हूँ। ये बर्नर मैंने क्लीन नहीं किया है, ये मैंने क्लीन किया है और ये क्लीन किया है, तो ये पूरा, मतलब ये 100% पूरा काला हो चुका था, बट ये देखिए ये 80% क्लीन हो चुका है। अगर मैं इसको ओवरनाइट या 5-6 घंटे तक छोड़ा होता मैंने इसको, तो ये पूरा क्लीन हो जाता, बट मुझे जल्दी थी तो मैंने इसको एक से डेढ़ घंटे में मैंने वॉश कर दिया है। और ये देखिए अंतर खुद ही नज़र आ रहा है, इसको देखिए। मैंने इसको क्लीन नहीं किया, मैं आज इसको क्लीन करूँगी बाद में, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं तीनों एक साथ क्लीनिंग के लिए डाल दूँगी तो फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि घर में छोटा बच्चा है तो उसको कब कुछ खाने का मन कर जाए या फिर बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो मैंने एक साथ तीनों क्लीन नहीं किया था। तो ये देखिए मेरा बर्नर काफ़ी क्लीन हो चुका है। मैंने अपने कपड़े लगा दिए हैं धुलने के लिए, ज़्यादा नहीं थे इसलिए सिर्फ ये 46 मिनट्स ही लेगा। पानी भर रहा है, मेरे कपड़े धुलने के लिए मैंने लगा दिए हैं। और ये रही मेरी शॉपिंग, और ये रहा मेरा शॉपिंग का आइटम जो मैंने शॉपिंग किया है, और जो भी चीज़ें मुझे फ्रिजर में या फ्रिज में रखनी थी वो मैंने रख दी थी कल ही आते ही। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है। पीहू, तो आज पीहू मेरी हेल्प करेगी आपको दिखाने में आइटम्स कि मैंने क्या क्या शॉप किया है, मतलब मैंने क्या क्या परचेज किया है। तो ये कुछ कंटेनर्स, हाँ ये कुछ कंटेनर्स मैंने लिए, ये ऑफ में थे, और ऑफ में थे तो ये कुछ कंटेनर्स मैंने लिया है। और ये एक बैग का सामान निकल चुका है, तो ये किचन किंग मसाला है, किचन किंग का मैंने तो पैक ले लिया है, मुझे पता नहीं क्यों, मुझे क्यों सही लगा, मैंने इसका 2 पैक ले लिया है और सारे मसाले मेरे पास थे। और ये सोया बड़िया ये मैंने ले लिया है, ये पीहू को बहुत पसंद आता है, जब भी मैं तहरी बनाती हूँ तो ये पीहू को बहुत पसंद है। और ये चना दाल है, मैंने चना दाल ले लिया है, 1 kg का पैक मैंने चना दाल लिया है। और ये ब्रिटानिया मारी गोल्ड बिस्किट है, जो कि हम सबका फेवरेट बिस्किट है, तो ये लिया है मैंने। और ये बॉर्नवीटा है, ये बॉर्नवीटा, और ये क्या है, ये है सूजी। आई थिंक मैंने 3 पैकेट लिया है, क्योंकि सूजी का मेरे पास, मैंने पहले ही बताया था, बहुत ज़्यादा खर्चा रहता है। और ये मैंने लिया है इंडिया गेट, ये फीस्ट रोज़ाना का 5 kg का पैक ले लिया है मैंने। और ये एक नमकीन बिस्किट है, गुगली विस्क फार्म की, ये मैंने लिया है। ये 2 पैकेट अभी मैंने खोले नहीं हैं, ये वाला पैकेट इसलिए खुल गया था क्योंकि इसमें कुछ फ्रोज़न आइटम्स थे,
उसको मैंने मुझे डालना था फ्रिज में, तो ये पैकेट खुल गया था। अब मैं ये दोनों पैकेट खोलती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। पीहू लगी हुई है खुलने में, बट वो नहीं खुलने वाला है ऐसे। और ये पीहू का फेवरेट बिस्किट ओरियो, तो ये पूरा मैंने चार का पैक ले लिया, ऐसे कॉम्बो में मिल ही रहा था ये, तो ऐसे मैंने ये कॉम्बो में ले लिया था। और ये क्या है, ये चिंग का सूप है आई थिंक, हाँ चिंग का टोमेटो और हॉट एंड सार सूप है। और ये टाटा टी गोल्ड मैंने ले लिया है हाफ के जी का, ये टाटा टी गोल्ड है हाफ के जी का। और ये मैंने लिया है हॉट, ये मैंने लिया है रेड चिली सॉस। ये जो रेड चिली सॉस होता है काफ़ी हॉट होता है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस बार मैंने ग्रीन चिली सॉस घर में बनाया नहीं है, इस बार मैंने ग्रीन चिली सॉस घर में नहीं बनाया है, तो मैं ये भी इस बार लेके आई हूँ। और ये एक नॉर का ये थाई वेजिटेबल सूप है, ये लिया है मैंने। और मेरे पास और वेजिटेबल सूप और टोमेटो सूप ये पड़े हुए हैं। और ये न्यूट्रेला है, इसी में ये मेरा सीज़र भी है, अभी मैंने कट किया था उससे। और ये मैंने एक गुड नाइट का एक्सप्रेस ये पैक ले लिया है। पीहू मेरी काफ़ी हेल्प कर रही है आज, काफ़ी हेल्प कर रही है पीहू आज मेरी काफ़ी हेल्प कर रही है। और ये जीरा है, जीरे का पैकेट है। और मैंने ये फॉर्च्यून, मैंने ये रिफाइंड लिया है 2 लीटर का, मैंने टू लीटर का नहीं, ये मैंने रिफाइंड लिया है, दो पैक मैंने रिफाइंड लिया है। और चूँकि हम बहुत कम लोग हैं अभी, तो और ये एक पैकेट मैंने ऑलिव ऑयल लिया है। और ये है हमारा शुगर, चीनी, ये 2 kg का चीनी का पैक लिया है मैंने, मेरा चोको पाई का पूरा पैक है। और इसमें है पीयू का फेवरेट है छोले, तो ये है एवरेस्ट के छोले मसाले मैंने लिया है। और सूजी, आई थिंक एक पैकेट और होगी सूजी मैंने। और ये देखिए, ये मुझे बहुत सही लगा, क्लीनमेट का है। और ये मुझे जो 5 बार है पूरा 5 बार मुझे 675 में मिला, तो मुझे काफ़ी किफ़ायती लगा, इसलिए इसको मैंने ले लिया। और ये सॉल्ट, तो सॉल्ट मुझे 2 महीने में एक ही बार लेना पड़ता है। और ये मैंने टूथब्रश ले लिया है। और ये है बेसन। और ये एक है बेसन, ये पकौड़ा मिक्स है, तो आई थिंक इसमें सारे मसाले वगैरह सब मिक्स होंगे। तो मैंने इसको फर्स्ट टाइम लिया है, इसको मैं ट्राई देती हूँ, ट्राई देने के लिए। और ये कैच का गरम मसाला, और मसालों में कैच मेरा फेवरेट है। और नॉर्मल जो सब्जी मसाला वगैरह होता है वो मैं घर में बनाती हूँ, मैं मार्केट से नहीं लाती। और ये है मेरा मूंगफली, जो कि मुझे काफ़ी पसंद है। और ये देखिए, मैंने ये चना मसाला लिया है, ये भी मैंने 2 पैकेट, सॉरी ये चना मसाला भी मैंने 2 पैकेट ले लिया है, 2 पैकेट चना मसाला, 2 पैकेट मैंने किचन किंग लिया है। और ये 2 पैकेट मैंने किचन किंग लिया है, और 1 पैकेट मैंने छोले मसाला लिया है, तो ये मसाला है। और साबूदाना, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये मैंने साबूदाना लिया है। और ये लाल सूखी मिर्चें तड़के के बहुत काम आती हैं। और ये आया पीहू का फेवरेट आइटम है, ये नॉर का चाइनीज़ सेजवान नूडल्स है। और ये मैगी वैसे मैं कम देती हूँ, बट बच्चे हैं जिद कर जाते हैं तो देना पड़ता है। और ये लाल चना इस बार मैंने लिया है, काबली चना मेरा पड़ा हुआ है, तो मुझे वैसे लाल चना ज़्यादा पसंद है। और अभी हमारा एक फेस्टिवल आ रहा है तीज,
जो हमारा तीज होता है वो अभी आने वाला है, तो उसमें इसका बहुत काम होता है। और ये मैंने कॉफ़ी ली है इस बार ब्रू की। मैं हमेशा नेस्कैफे ही पीती हूँ, लेकिन मैंने कभी भी ब्रू नहीं टेस्ट किया है, मतलब अपने घर में नहीं टेस्ट किया, बाहर पिया होगा मैंने, मुझे पता नहीं है। तो मैं इस बार देखती हूँ इसका टेस्ट कैसा होता है, नेस्कैफे से अच्छा है या उसके जैसा है या क्या है। और ये एक और साबुदाने का पैकेट, मैंने दो साबुदाने का पैकेट ले लिया है। काफ़ी सामान मैं लेके आई। और ये मेरा तीसरा सूजी का पैकेट। मैं सूजी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और मुझे लगता है कि सूजी देने में बच्चों को कोई हर्ज नहीं है, वो फ़ायदेमंद ही होता है। और ये मूंग दाल, तो दाल में मैंने कुछ खास नहीं लिया है, दाल में मुझे सिर्फ चना दाल और मूंग दाल लेना था। अरहर की दाल और उड़द की दाल, ये सब दालें मेरे पास पड़ी हुई हैं पहले की, ढेर सारी तेज़पत्ता, मतलब बहुत सारा सामान मेरा अभी पहले का पड़ा हुआ है। और ये मिक्स फ्रूट जैम, वैसे इस बार मुझे जैम की छोटी सी सी ही मिली, क्योंकि वहाँ पे मिक्स फ्रूट जो था किसान का और दूसरे ब्रांड्स के थे, बट मैं हमेशा किसान का ही यूज़ करती हूँ, तो किसान का नहीं था बड़ा। और जो भी बड़ा था वो पाइनएप्पल या मैंगो या ऑरेंज था, बट पीहू हमेशा मिक्स फ्रूट खाती है तो मुझे इसको छोटा वाला ही लेना पड़ा। और ये मैंने लिया है ग्रीन पीज़, ये जो फ्रोज़न मटर होता है ये काफ़ी अच्छा मिल गया, 1 kg के पैक पे 1 kg फ्री मिल गया मुझे, तो ये मैंने ले लिया। तो इसको मैं वापस से फ्रीज़र में डाल देती हूँ अपने। हाँ, और ये चीज़ें जो मैंने फ्रिज में डाल दी थी आते ही, ये रियल का जूस, इस बार इसको गवावा पीना था तो ये गवावा मैंने लिया है। और ये टोमेटो केचप, मैं ये पैक लेके आती हूँ, ये काफ़ी किफ़ायती रहता है। और टोमेटो केचप बहुत ज़्यादा खर्च होता है मेरा। और ये एक स्प्राइट, वैसे तो कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी चाहिए, बच्चों को नहीं देनी चाहिए, बट वैसे पीहू बहुत ज़्यादा नहीं पीती है, बिल्कुल जिद नहीं करती, बट इस बार इसने बोला तो मैंने ले लिया। तो ये सारा मैंने शॉपिंग की है। और इसके अलावा मैंने लिया है पीहू के लिए एक फिजर स्पिनर, और पीहू ने एक पीहूने का शायद आई थिंक इंसेक्ट्स की है या एनिमल्स की है, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं अच्छे से, उसने एक इंसाइक्लोपीडिया लिया है। तो ये मेरे बिग बाज़ार के पैकेट्स फैल गए हैं, अब मैं इनको समेटती हूँ। तो ये रहा मेरा पूरा शॉपिंग जो भी मैंने किया है। तो फ्रेंड्स, मेरा जो ग्रॉसरी का शॉपिंग है, मैंने आपको पहले भी बताया उसमें मेरी कुछ चीज़ें छूट गई हैं, तो कुछ चीज़ें मैं नहीं ले पाई थी, तो मैं लूँगी फिर उन्हें कभी भी, कभी आप तो लोकल शॉप से ले लूँगी या फिर स्पेंसर नज़दीक में स्पेंसर से ले लूँगी। तो बस मेरे सारे काम हो चुके हैं और लंच भी मेरा बन रहा है, आधा बन चुका है। और फिर बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, फिर हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।